दिए हुए है। तो विपक्ष क्या चाहता है, विपक्ष को पूछिए, उसके पास कोई स्पष्ट नीति है क्या? ये तो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। कभी यही विपक्ष के लोगों ने कहा था, नियोजन नीति लाया था और इन लोगों ने कट ऑफ डेट क्या रखा था आपको मालूम है। फिर यही लोग गिरिडीह का जब ये लोग सम्मेलन कर रहे थे तो पीछे लिख दिया था कि 1932 की बात की थी, पहले 1918 की बात की और 2018 की बात की, फिर 1932 की बात की। तो ये तो भाजपा के लोगों के पास कोई स्पष्ट सोच ही नहीं है। उनको मालूम है कि जो भी सरकार करेगी उसका विरोध करना है, बस उनको और कोई विषय नहीं मालूम है। उनको मालूम है कि यदि कोई भी विषय सरकार अच्छा भी ला रही है तो विरोध करना है। तो वो स्पष्ट करें कि हिंदी के विरोधी हैं, वो स्पष्ट करें कि वो नहीं चाहते हैं कि हिंदी हमारी जो है नियोजन नीति का हिस्सा बने। वो कहें खुल के, भाजपा के लोग में यदि हिम्मत है, यदि उनमें इतनी ताकत है तो माइक पर कहें कि हम हिंदी के विरोधी हैं, हिंदी नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट ही विरोध कर रहे हैं ना, 60-40% जो है बाहरियों के लिए क्यों खोला जा रहा है? अगर 3 साल में यही नीति लानी थी तब तक क्यों उनको नौकरी से दूर रखा गया? तो 5 साल तक उन लोगों ने काम किया था, डबल इंजन की सरकार बनी हुई थी और 5 साल तक केंद्र से लेकर राज्य की सरकार थी। वो बताएं कितने लोगों को रोजगार दिया? सब तो जो है जितना उन्होंने रोजगार के नाम पर नाटक किया है और यहाँ की भोली भाली जनता को ठगने का काम किया है और सब अनुबंध पे काम किया है। वो बताएं, स्पष्ट करें कि उनके शासन में डबल इंजन की सरकार में कितने लोगों को रोजी रोजगार दिया, और स्पष्ट करें। आपने 3 सालों में कितने लोगों को नौकरी? अरे भाई, हम तो लगातार प्रयास कर रहे हैं। कब तक? हम तो प्रयास कर रहे हैं और हमने नियोजन नीति लाया, अभी नियोजन नीति फिर लाए हैं, तो इसमें क्यों पेट में दर्द हो रहा है? अन्ना जी, 3 साल में सिर्फ ये नीति ही बन रही है। अरे भैया, तो वो 8 साल में मोदी जी ने 1 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दिया, 50 लाख लोगों को रोजगार नहीं दिया, जबकि कहा था साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आप लोग कभी पूछते हैं भाजपा के लोगों से? आप लोगों के पास भाजपा के लोगों से बात करने के लिए आपके नहीं, एक मिनट सुने, भाजपा के लोगों से बात करने के लिए आप लोगों के पास क्वेश्चन क्यों नहीं होता है? अरे तो राज्य से पूछिए ना भाई, तो इसलिए तो हम बोल रहे हैं। भाजपा का यदि उन लोगों के अंदर हिम्मत है तो बोले कि हिंदी का हम विरोधी है और हिंदी को हम नहीं चलने देंगे। मैं तो बोल रहा हूँ, मैंने शुरू से कहा कि 1932 से लेके 1923 तक हम जो है 2023 तक को ठोक के बात करते हैं। उस दिन भी कहा, आज भी कह रहे हैं। यदि ये मर्द हैं तो कहें कि हम हिंदी के विरोधी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।